हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है मफिन्स। जी हाँ, कपकेक्स जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही कम टाइम में ही तैयार हो जाता है। मैंने इसको आइसिंग भी की है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एगलेस मफिन्स है, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं कभी भी। तो चलिए देखते हैं ये मफिन्स हमने कैसे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक सॉस पैन हमने गैस पे चढ़ा लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप दूध। अब इसमें मिक्स करेंगे हम 2/3 कप शुगर। जी हाँ, 2/3 कप चीनी ले लिया है हमने। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम बटर। जी हाँ, ये 50 ग्राम बटर हमने डाल दिया है। ये सॉल्टेड बटर है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है और बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, दूध को थोड़ा सा हमने ठंडा किया, लेकिन पूरी तरीके से ये ठंडा नहीं हुआ है। अब ये ल्यूक वार्म है, हल्का गर्म है। तो इस पॉइंट पे इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। जी हाँ, नॉर्मल सिरका जो होता है वो हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखेंगे दूध हल्का सा कडल हो जाएगा, इससे हमारा मफिन्स बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच वैनिला एसेंस। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो एक स्ट्रेनर ले लेंगे। इसमें हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच लिया है हमने बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच हमने लिया है बेकिंग सोडा। जी हाँ, जो खाने का सोडा होता है वो हमने ले लिया है। और फ्रेंड्स, ये 3 टेबल स्पून हमने लिया है मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा केक में। अच्छे से हम छान लेंगे। अब हैंड विस्कर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, बस अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। मफिन्स का जो बैटर होता है ना, वो केक के बैटर से थोड़ा थिक होता है, ये ध्यान रखें। तो इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो चॉको चिप्स या नट्स कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर ले एक बार और। एक बार इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर ले आपस में।
तो चलिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, इसे मोल्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने मफिन्स ट्रे ले लिया है और उसमें हमने मफिन्स लाइनर लगा दिए हैं। अब इसमें हम ये बैटर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भरना है, इसे आधा ही भरे ताकि मफिन्स अच्छे से फूल सके। तो फ्रेंड्स बैटर को हमने मोल्ड में डाल दिया है, थोड़ा सा टैप कर ले ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। फ्रेंड्स अवेन को हमने प्री हीट कर लिया था और अभी 180 डिग्री सेल्सियस पे हम अपने मफिन्स को बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। तीन मिनट्स हो चुके हैं तो चलिए हम अपने मफिन्स को निकालते हैं। गर्म है ये भी, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर कुक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मफिन्स अच्छे से बेक हो चुके हैं, ये देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं ये मफिन्स लाइनर हटा दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो पहले मफिन्स को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे मफिन्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, चलिए एक मैं आपको मफिन्स निकाल कर दिखा देती हूँ। इसे तोड़ कर ये कैसे अंदर से अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर कुक हुआ है, ऊपर से ये क्रिस्प है, ये जो लेयर देख रहे हैं ये काफ़ी क्रिस्प है और ये नीचे से देखिए, ये देखिए स्पॉन्जी है, ये देखिए अंदर से बिल्कुल प्रॉपर कुक है। क्योंकि आज हम आइसिंग वाले मफिन्स बनाने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स हम आइसिंग की तैयारी करते हैं। हमने 100 ग्राम बटर ले लिया है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, लेकिन सॉल्टेड बटर में एक अच्छा सा टेस्ट आता है फ्रॉस्टिंग में। और ध्यान रखें कि आपको बहुत ही ठंडा बटर नहीं लेना है, बिल्कुल फ्रिज वाला, और ना ही बहुत ज़्यादा पिघला हुआ बटर लेना है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बस आप चेक कर सकते हैं, अगर आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो ऐसा इम्प्रेशन इसमें पड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड जैसे ही मैंने इसको बीट करना शुरू किया बहुत ही आसानी से ये बटर बिल्कुल टूट गया। स्पैटुला से ऐसे एक जगह इकट्ठा करते जाएं इसे। बटर को बस हमें एक मिनट के लिए बीट करना है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। फ्रेंड्स फ्रॉस्टिंग में हम डालने वाले हैं 1/4 टीस्पून वैनिला एसेंस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा फ्रॉस्टिंग में। अब हम लेंगे पाउडर शुगर 1 कप, लेकिन उसे एक बार में हमें नहीं डालना, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से छान ले। Thank you.
अच्छे से मिक्स कर ले शुगर को, नहीं तो सारा पाउडर शुगर आपके ऊपर आ जाएगा। बटर क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ही मैसी हो गया है ये। ये देखिए, तो चलिए इसे हम पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर देते हैं। इस मफिन भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसकी हम फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करके, थोड़े से मेरे पास ये कलरफुल बॉल्स हैं, ये थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर ताकि ये और सुंदर दिखे। फ्रेंड्स आप चाहे तो चॉको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। हमारे मफिन्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही आसानी से हमने मफिन्स तैयार कर लिया घर में और बहुत ही कम समय में बन जाता है। आपको मेरी बनाई हुई ये मफिन्स अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।